हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी दर्शन इंडिया में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पशु। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो चलिए जान लेते हैं कि बाघ कब से हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ और बाघ के संरक्षण के लिए हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या उपाय किए गए हैं। बाघ एक स्तनपायी जंगली पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा व शक्तिशाली जानवर है। इसका शरीर लाल और पीले रंग के मिश्रण से युक्त होता है, जिस पर काले रंग की गहरी धारीदार पट्टी पाई जाती है। इसके वक्ष स्थल का भीतरी भाग और पांव का रंग सफेद होता है। इसकी लंबाई 13 फीट तक और वजन 300 किलो तक हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। लावड़ता, ताकत, फुर्तीलेपन और अपार शक्ति के कारण रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति का माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। बाघ तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। बाघ भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बाघ की ज्ञात 8 किस्मों की प्रजातियों में से शाही बंगाल टाइगर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। बंगाल का सुंदर वन जंगल इसका प्राकृतिक आवास है। वास स्थलों की क्षति और अवैध शिकार के कारण बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है। भारत में बाघों की घटती संख्या की जांच करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। 1973 में ही बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 50 बाघ अभ्यारण्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड डाटा सूची में बाघ को इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि बाघ पर वनों से विलुप्त होने का खतरा है। बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 2010 से प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा था। भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से लगातार प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन यानी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन किया जाता है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन 2018 अब तक का चौथा संस्करण था। इस चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या 2967 है, जो दुनिया में बाघों की कुल आबादी का लगभग 75% है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन का 5वां संस्करण 2022 में किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके तहत केंद्र सरकार बाघ राज्यों को निर्दिष्ट बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। चलिए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसे 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार इसका गठन किया गया था।
वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।